जैसे कि हम लोग जो है मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं और हम लोग दूसरे चैप्टर में हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एसीएफ। और इसका हम लोगों ने पहला क्लास ख़त्म कर दिया जिसमें हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस किए थे। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगला हम लोग जो है ये पीडीएफ जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस पीडीएफ के बारे में, और इस सेशन को जो आप लोग प्यार दिया कीजिए, इस सब सेशन को आप सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर ये आपको इसका प्योरेस्ट फॉर्म है पीडीएफ का जो है, फुल एचडी प्योरेस्ट फॉर्म है, आप देख लो कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक एक अक्षर जो है हमें साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, कितना भी जूम कर लो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम का पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है 7070494476, ठीक है, 7070494476 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है, कौन सा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको सारी पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है पहले नेट ऑफ़ कर लेते हैं, पीडीएफ के लिए बहुत डिमांड आता है भाई, ठीक है, नेट ऑफ़ कर लेते हैं हम लोग अपना, तो पीडीएफ ही पीडीएफ मांगते सब। और आप लोग भी पीडीएफ ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। और चलिए हम लोग एलसीएम एंड एसटीएफ में हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, तो चलिए हम लोग जो है फटाफट जो है 12वें नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो हम लोग जो है पहुँच चुके हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे, और 11 नंबर तक हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके थे, और हम लोग का एलसीएम एंड एसटीएफ जो है हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, मैं अपनी जानकारी के लिए बता दूँ। तो चलिए हम लोग जो है 12वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 192 और 448, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 192 और 448 का जो है एलसीएम कितना है, लघुत्तम समावर्तक एक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, तो एक्स का जो है मान बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 192 और 448 का। तो मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे एलसीएम निकालना है, ठीक है, आप जो है आराम से वहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हो। तो जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, 24 गुना 2 गुना 5 इक्वल टू 960 जो है इसका एलसीएम मिल जाएगा। जब इसको आप अलग से फैक्टर करके तोड़ोगे, फिर इसको अलग से फैक्टर करके तोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा और आप 960 निकाल लोगे। तो यानी कहता है कि एक्स का जो है 100 गुना करके 60 ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक्स का 100 गुना करके जो है 60 ज़्यादा आपका जो है एलसीएम के बराबर है। तो यहाँ से एक्स का मान जो निकल जाएगा कैसे, 960 जो है माइनस, इधर प्लस में बदल जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, 60 बट्टे में आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 100 में बदल जाएगा। तो है एक्स की मान जो यहाँ पे 9 आ गया, कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट कि मैंने कैसे एलसीएम जो है तुरंत 960 लिख दिया, आप जो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, ये सेकेंड क्लास है हमारा एलसीएम एसएफ का, आप उससे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक n है, ठीक है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है क्या होगा। तो 110 का कितना हो गया, बोलते 110 जो है नेचुरल नंबर का जो है n है, तो 115 तक का क्या हो जाएगा, तो 115 के कहाँ तक जाएगा, 111 जाएगा, 112 जाएगा, 114 जाएगा और 115 जाएगा। इसका एलसीएम भी कितना होगा, एन ही होगा। अगर इसका n है तो इसका भी एलसीएम जो है वो n ही होगा, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अगर आप तरीका देखोगे तो आपका जो है वही तरीका रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 111 वगैरह अगर दिया हुआ है तो इसके एलसीएम भी क्या होंगे, n ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें और एक तरीके से सोच सकते हैं कैसे कि, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जब इसको नीचे लेंगे तो ये आपका 37 गुना 3 में कट जाएगा, इसको लेंगे तो 56 गुना 2 में कट जाएगा, इसको लेंगे तो 144 का इसमें जाएगा आपका, 144 जाएगा 57 गुना 2 में चल जाएगा, और 115 जो है आपका वो 23 गुना 5 में चल जाएगा। ये सभी जो हैं संख्याएं वो प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं में शामिल होते हैं, ये सभी जो है, आप देखना 37 भी आता है, 56 भी आता है, 57 भी आता है, ये सभी जो है 110 के अंदर ही आता है, समझे, कहाँ था 100, इसके अंदर ही आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना आगे में, ठीक है, कि जो 13 है, 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, संख्या जो आपका 13 है
113 वो एक क्या है, एक आपका अभाज्य है, क्या आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि वह जो है 113 गुना वो नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, अगला भी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, तो आपको ये फैक्टर नहीं आ रहे तो पिछला वीडियो अच्छे से देखना, आपको फैक्टर करना आ जाएगा, ठीक है, मैंने पहला वीडियो में अच्छा समझाया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन। तो 14th नंबर क्वेश्चन कहता है, 14th नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि 84, 126 और 168 का जो है क्या निकालो, एलसीएम निकालो। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको पहले एलसीएम में, एलसीएम निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो कुछ इसी टाइप का था। लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ हमसे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ पूछा है तो हमें क्या करना है ना, इन दोनों के बीच जो है ना डिफरेंस पता लगाना है, क्या पता लगाना है, डिफरेंस। तो इसके बीच देखना डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 42 का आ रहा है डिफरेंस, और इसके बीच भी जो है 42 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें जो दो अंक के बीच डिफरेंस पता लगाना है, ठीक है, ये 3 अंक था दिया हुआ, तो हमने तो किसी दो के बीच डिफरेंस पता लगाया 42 42। अगर जिसमें 42 मतलब जिसमें डिफरेंस सेम ना आए तो क्या करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन भी हमें मिलेगा वैसा कुछ ना कुछ। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है 120 850 सॉरी 1020 1020 850 और 1156 का जो है ना एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का आ गया, 1000 और 1020 और 850 के बीच 170 का, इन दोनों के बीच कितना का आ गया, 306 का, इसके बीच 306 का आ गया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच कितने का आया, इन दोनों के बीच आया 136 का। अब यानी कि कोई भी जो आपका आंसर एलसीएफ जो है ऑप्शन में नहीं है ऐसा, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 1 गुना 136, 2 गुना 68, 4 गुना 34, यानी कि इसके पार्ट्स करते चलेंगे हम लोग पहाड़े में, एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, चार के पहाड़े में, ठीक है। तो देखा हम लोगों ने 34 जो है वो आ गया, क्या क्या आ गया, 34 आ गया, ऑप्शन में मैच कर गया 34, यानी ऑप्शन में जो भी मैच कर जाएगा ना वही आंसर होगा। ऑप्शन में 68 भी हो सकता था तो 68 भी इसका आंसर हो जाता, ठीक है ना, सीएफ में, लेकिन यहाँ 34 था, 34 तक हम लोग रुक जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग चुपचाप टिक कर देंगे, बहुत आसान था। चलिए 16, ये था कि जब डिफरेंस ना आए तो कैसे करेंगे, ऊपर में था कि डिफरेंस सेम आए तो डायरेक्ट वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन सेम है, एचसीएफ क्या मान लेंगे, एक्स, तो वही एक्स कितनों का गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो ये वही है, आपको सिर्फ इसका एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ का गुणनफल कर देना है। मान लो चलो 16 नंबर बना देता हूँ मैं, 16 नंबर बना देता हूँ, कह रहा है कि 3073 और 1756 और बोल रहा है ये 4829। अब इसके बीच पहले तो अंतर हम लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है ना, अंतर पता लगाएंगे इसके और इसके बीच में जो अंतर हम लोग पता लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन यही है क्या, 16 का लग तो वही रहा है। तो यहाँ देखेंगे क्या कि हम लोगों ने, हमें ना थोड़ा सा पेयर बनाए काम करना है, ठीक है ना। जैसे कि पहले बड़ा ले लो, मैंने बड़ा ले लिया, फिर उसके बाद ले लो उसे छोटा, फिर उसके बाद ले लो उसे छोटा, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, डिफरेंस निकालने में आसानी हो जाएगी। अगर इसके बीच डिफरेंस निकालोगे तो ये निकल जाएगा 1756 या निकल जाएगा 1317, फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालो तो निकल जाएगा 439। तो ये इसका एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, ये इसका एचसीएफ, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं टूट सकता है, एचसीएफ हो गया। तो बोला कि जो एचसीएफ निकलेगा उसका गुणनखंड, यानी कि 4 गुना 3 गुना 9, 4 गुना 3 गुना 9 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 9 108 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया 16 नंबर का। कुछ नहीं था, सेम तरीका से जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, सेम तरीका से हमें एचसीएफ लाना था, एचसीएफ मुझे ये मिला, उसी का गुणनखंड कर देना, तो 4 3 9 का गुणनखंड कर दिया आंसर। तो कुछ नहीं था इसमें खास कि डरने वाला इसमें कोई क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो चलिए 17वां नंबर हम लोग देखते हैं, और 17वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो 108 और 98 का, 108 और 98 का हमें एचसीएफ निकालना है। यार अब तो शर्म करो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 90 90 में ऑप्शन में नहीं है तो तोड़ो। तो ये कितना कितना में जाएगा, 5 गुना 18 में चल जाएगा, तो 18 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। तो डिफरेंस निकाल के जो है आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। चलो 18 एक चलते, अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में।
तो 18वां नंबर क्या कह रहा है आपको, 18वां नंबर कह रहा है कि 4/11 एंड 16/33 का जो है SCF निकालो। क्या निकालो? SCF। तो हम लोगों ने LCM निकाला था बट्टे वाले का पहले क्लास में, तो हम लोगों ने क्या कहा था, ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का SCF, क्योंकि वहाँ पे LCM पूछा था, जो पूछे वो ऊपर वाले करना है, इसमें SCF पूछा तो ऊपर वाले का SCF करना है। तो कैसे बनेगा ये? ये बनेगा SCF ऑफ 4 और 16 का बट्टे नीचे वाले का LCM कर देंगे, जस्ट अपोजिट। पहला क्लास नहीं देखे हो ना बाबू, देख लो जाके, ठीक है, नीचे वालों का LCM कर देंगे। तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो देखना ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, 4 ही तो कॉमन आ रहा है, नीचे में क्या हो रहा है, 33 LCM, बिगर कौन सा 33 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ तो हम लोग चलते बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन कहता है कि 4/5, 3/10, और 19वां क्वेश्चन कहता है कि आपका क्या कहता है कि 4/5, 3/10 और 7/15 क्या निकालना है, SCF निकालना है। भाई सेम है यार, ऊपर वाले का SCF, नीचे वाले का LCM, जो आया आंसर हो जाएगा। मैंने निकालूंगा 18वां क्वेश्चन का सेम एज एस, कितना 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेना, सेम तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है ना, 20वां क्वेश्चन भी सेम है कि ऊपर वाले का SCF निकाल देंगे, नीचे वाले का LCM निकाल देंगे, 18 जैसा ही है। मैं और 21वां क्वेश्चन भी सेम है, भाई जो सेम है ना मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग इतने बड़े तो हो ही गए हो कि कर लोगे, ठीक है ना। SCF बताना है 22 नंबर में, क्या बोल रहा है 22 नंबर में बोल रहा है कि SCF बताओ, तो ऊपर वाले का SCF, नीचे वाले का LCM कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 22वां नंबर भी सेम है, भाई जो सेम होगा ना मैं नहीं कराने वाला, जो कुछ हटके होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि 2800 और 756 का महत्व समावर्तक ज्ञात करें, तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग 23वां क्वेश्चन चलते हैं, 23वां क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ बोला है कि 2800, मैंने कितना बार करा दिया यार ये, इनको बस डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आया इतना, तो इसके इतने फैक्टर करो कि हमें जो है ऑप्शन तक जो है आंसर मिल जाए। तो चलो इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं। पहले तो ये एक बारी में जाएगा इतना, फिर दो बारी में अगर 2 से करेंगे तो इसका हाफ कर दो, 4 बारी में 2, 4, 7, मतलब थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग करके ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि जल्द जल्दी हमें ऑप्शन के बराबर जो रिजल्ट आ जाए। 2, 9, 2, फिर 14, चलो 14 करते हैं, 1, 4, 6, चलो 28 कर लेते हैं, ऑप्शन तक चले जाएंगे हम लोग, ना 14 से किया 28 से किया, पहले 14 छोटा था तो ऑप्शन नंबर इससे कर लिया, फिर 28 से कर लिया, तो आप मल्टीपल डायरेक्ट जो ऑप्शन पर बैठा सकते हो। 28 में क्या जाएगा ये 73, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, 28 का SCF हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन देखो, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि SCF बताओ, मैंने बताने वाला इसका, खुद देख लेना, सेम टाइप है। यहाँ बोला है कि SCF बताओ, अरे यार सेम क्वेश्चन है यार, जैसे कि आप 25वां नंबर देख लो, ये बोल रहा है कि SCF बताओ 0.5, 0.28 और क्या बोलते हैं 8.1। अब इसमें जो क्या करना है, SCF बताना ना हमें 25वें का। आप एक काम करो, इसको जो है SCF निकालने के लिए आप पहले इसको तोड़ लो, ठीक है, तोड़ लो कैसे, 25/ कितना हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 208/100 कोमा, ये हो जाएगा 810/100। अब क्या करना है, SCF पूछा है ना, SCF पूछा है, नीचे वाले का LCM ले लेंगे, ऊपर वाले का SCF ले लेंगे, और जो आएगा आंसर सॉल्यूशन, ऊपर में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो SCF 1 हो जाएगा, नीचे में क्या कॉमन आ रहा है 100, तो 100 हो जाएगा, डेसिमल में आंसर बोला है तो निकाल के बैठ जाएंगे, सिंपल। SCF का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है, बट्टे वाला में नहीं है, पॉइंट में है, तो बट्टे में बनाओ और उसका आंसर निकाल दो, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऐसे धुआं उड़ा दिया 25 तक के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम क्वेश्चन, भाई सेम क्वेश्चन, 26वां भी जो है सेम क्वेश्चन हो गया आपका, बराबर है 25वां क्वेश्चन के, ठीक है, कुछ नहीं है, सेम तरीका है जो मैंने किया। 27वां देख लो, थोड़ा सा हट के आया है 27वां, ठीक है, 27वां देखो थोड़ा हट के आया है। ये बोल रहा है कि SCF बताओ 2^3 × 3^5 एंड 2^4 × 3^6। भाई ये तो बहुत आसान है, तो 7 क्लास का बच्चा आराम से बता देगा, ठीक है ना। SCF क्या होता है, SCF के लिए जो है ना हमें लोअर पावर लेंगे, मतलब क्या लेंगे, लोअर पावर लेंगे। जैसे SCF हायर लिखा होता है लेकिन लोअर पावर लेंगे, लोअर पावर किसने, 2 में 3 में है, 2 का पावर कितना कर देंगे 3, फिर गुना
3 का पावर 6, 3 का पावर क्या, लोअर क्या, यही है। तो लोअर वाला हम लोग जो है ले लेंगे हमेशा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए कि जो भी जिसका भी एस पूछे उसका लोअर पावर जो है हम लोग दोनों को मिला गुना कर देंगे। चाहिए 3 का पावर 5 यहाँ होता तो हम लोग इसको लेते, ठीक है। तो जो छोटा होता उसको लेते हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा आसानी था। चलो हम लोग टाइप चेंज हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब जो है टाइप चेंज हो गया है और इसको जो है हम लोग व्हेन रेशियो ऑफ नंबर इज़ गिवन एंड एलसीएम एसएफ इज़ आस्क्ड, जब रेशियो दिया हो और इसके जो है एलसीएम एसएफ पूछा हो। और हम लोग जो है ना आज क्वेश्चन रखते हैं 27 तक ही, ठीक है। और 28 नंबर जो है हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं बढ़िया से जो अगला वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये मैंने बहुत ही छोटा वीडियो रखा 15 मिनट में और हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन जो है निपटा दिए। अब जो हम लोग कल 28 से शुरू करेंगे क्योंकि टाइप हो गया है चेंज, अब रेशियो वाला आ गया है। और बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। और आपको इतनी प्योर पीडीएफ जो मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, मतलब सॉरी लिंक नहीं, फ्री पीडीएफ नहीं है, थोड़े से चार्जेस लगेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और जीडी की तैयारी करते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।